एसआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राजधानी में लॉकडाउन को लेकर बोले गृह मंत्री, 24 जुलाई की रात 8 बजे से राजधानी में 10 दिन तक रहेगा लॉकडाउन। इस दौरान मेडिकल सेवा, दूध की दुकान, सरकारी राशन की दुकान खुली रहेगी। सरकारी राशन की दुकानों में भी बोला है कि वह 23 से 24 दो दिन का राशन बांट दे। भोपाल आना और जाना दोनों रहेगा प्रतिबंध। आवागमन के लिए पूर्ण की तरह ही पास जारी किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा, सभी से आग्रह है कि सभी लोग 10 दिन का राशन लेकर रख लें। 10 दिन के लिए पूरा रहेगा ये, इसमें दवाइयां, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में, तब रखा था। अभी प्रार्थना दो दिन की, ये कल और परसों का दिन जो है इसमें सभी से प्रार्थना है कि वो जरूरी वस्तु ले लें। सरकारी राशन की दुकानों को भी कहा गया है कि परसों तक सभी गरीबों को राशन पूरा का पूरा, जहां नहीं बटा है वहां बांट दिया जाए। जुलाई माह का पूरा राशन हर गरीब के घर पर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। इंडस्ट्री खुली रहेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ एक्सीलेटर स्टाफ और अधिकारी रहेंगे और कोई नहीं। व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से, यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।